Hello, welcome everyone to English with Roop channel. I hope so everyone is fit and fine and is doing well. आप सभी को पीछे एक इमेज दिखाई दे रही होगी, ये है जी टेलीफोन। आजकल के टाइम में कहाँ ही मिलता है टेलीफोन, लेकिन हाँ टेलीफोन की बात ही अलग होती थी। लेकिन आप कॉल तो करते ही हो या नहीं करते? कॉल सभी के सभी अपनी लाइफ में करते ही करते हैं। आजकल जो स्मार्टफोन है बहुत ही जरूरी हिस्सा बन चुका है। आजकल अगर एक बंदा जो है ना, वो कोई चीज अपनी साथ में ले जाना भूल सकता है, कोई भी चीज भूल सकता है, लेकिन फोन नहीं भूल सकता। तो फोन क्यों? क्योंकि अगर मैं एवरेजली बात करूं तो एक इंडियन जो है वो उस पे फोन के ऊपर लगभग 3 घंटे वेस्ट करता है इन अ डे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वो फोन पर कॉल कितने टाइम करता है, फोन पर कॉल वो अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स का करता है। 90 मिनट्स इज रियली अ बिग टाइम। इसमें क्या है, हम कॉल पर किसी से बात करते हैं एवरेजली, एक डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या है, आप 90 मिनट्स किसी से बात कर रहे हो और वो बात अगर इंग्लिश में हो जाए तो अरे वाह, कमाल ही हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज रिलेटेड टू लाइक फ्रेजेस रिलेटेड टू टेलीफोन और फ्रेजेस रिलेटेड टू द कॉल। तो मैं आपको ये नहीं बताने वाली कि आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है, हाय हेलो व्हाटएवर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, ये नहीं मैं आपको बताने वाली हूँ। आई एम गोना टीच यू सम ऑफ द सिचुएशंस, लाइक अगर मान लो आपका डाटा बहुत कम है, मीन्स उसे आपकी रेंज नहीं आ रही है कि आवाज आ रही है आवाज पीछे से ये नहीं आ रही है, या फिर भी मतलब जल्दी कर मुझे ना कोई को काम आ गया, मुझे फोन क्या करना है, हैंग अप करना है, मुझे फोन काटना है। अगर मान लो आपने किसी को कॉल करना है लेकिन वो बंदा कॉन्फ्रेंस पर नहीं है, वो कॉन्फ्रेंस में लेना है, तब आप कैसे करोगे? इसी तरीके से अगर आपको किसी से बात करके बहुत ही अच्छा लगे तो ऐसी अलग अलग सी सिचुएशंस में किस तरीके से बात की जाती है, दैट आई एम गोना टेल यू। एंड रियली इट्स गोना बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज फोन इज रियली नेसेसरी एंड वी हैव टू टॉक विद द अदर पर्सन ऑन द अदर साइड, सो दैट्स व्हाई आई थिंक दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बट हाँ, मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस चाहती हूँ, वो यही प्रॉमिस चाहती हूँ कि आप इन फ्रेजेस को सीखें और साथ के साथ इन फ्रेजेस को अप्लाई कीजिए ताकि आप भूले नहीं। कुछ एक फ्रेजेस जो है वो आपको साथ के साथ जुबान पे ही चढ़ जाएंगी, लेकिन कुछ एक फ्रेजेस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप स्मार्ट टेलीफोनिक फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट सिचुएशन की तरफ। पहली है आपके सामने नेटवर्क कंजेशन। नेटवर्क कंजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे नेटवर्क कम होता है ना, अरे यार नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आजकल एयरटेल की प्रॉब्लम चल रही है, एयरटेल में कितनी प्रॉब्लम चल रही है ना कि 5G से 5G वो 4G से 5G प्लस कर रहे हैं, तो 5G प्लस करते करते इतने में स्विच हो गए हैं सारे के सारे यूजर्स। तो नेटवर्क की जब कंजेशन होती है तो आप उस टाइम पर बोल सकते हो आई एम सॉरी आई कांट हियर यू, या फिर आई एम सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग, या फिर आई एम सॉरी यू आर ब्रेकिंग। आप वॉइस ना बोलिए, सीधा बोले आई एम सॉरी यू आर ब्रेकिंग। नेक्स्ट आई एम सॉरी योर वॉइस इज जैरिंग, J-A-R-R-I-N-G, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी आवाज जो है वो सही ढंग से नहीं आ रही है। तो इस टाइप के फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो इसके लिए। और अगर मैं बताऊं तो आप बोल सकते हो आई एम सॉरी योर वॉइस इज इकोइंग, अगर किसी की आवाज ऐसे ना कि रिपीट में आ जाती है, एक पहले ज्यादा लाउड आती है फिर थोड़ी कम तो वो इको होती है, तो आप बोल सकते हो आई एम सॉरी योर वॉइस इज इकोइंग, आई कैन हियर यू बट इन बिट्स एंड पीसेस। बिट्स एंड पीसेस मतलब लाइक मैं सुन सकती हूँ लेकिन बट कट कट की आवाज आ रही है। देन यू कैन से लाइक आई कैन हियर यू बट इन बिट्स एंड पीसेस। इससे नेक्स्ट मैं बात करूं आई कैन हियर यू ऑन एंड ऑफ मतलब कि थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है आपकी, बिट्स एंड पीसेस एंड ऑन एंड ऑफ, इट्स रियली अ वेरी गुड फ्रेज फॉर द थिंग जब आपका नेटवर्क सही ना चल रहा हो। आई कांट हियर यू एट ऑल लेट मी कॉल यू बैक, कि मैं आपको वही होता ना कि रुक रुक आवाज सही नहीं आ रही, मैं अभी फोन काट के करती हूँ, है ना।
उस टाइम पर आप बोल सकते हो आई कैन हियर यू एट ऑल, आई कांट हियर यू एट ऑल, लेट मी कॉल यू बैक। तो ये फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में जब आपकी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही हो, जब हमें सामने वाले को कहना है, पूछना है कि हाँ भाई अब देख, जैसे कि फोन हमने काट दिया, ये कहा कि मैं दोबारा करती हूँ, फिर उसको कहते ना कि अब आ रही सही, तो उस टाइम पर आपने कैसे किस तरीके से पूछना है, आप पूछ सकते हो कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर, क्या आप मुझे लाउड एंड क्लियर समझ पा रहे हो, एम आई ऑडिबल टू यू, क्या मैं आपको ऑडिबल हूँ, नेक्स्ट एम आई ऑडिबल टू यू बिकॉज आई एम आउट ऑन द रोड, कि अगर आप कहीं पर बाहर हो तो आप ये बोल सकते हो एम आई ऑडिबल टू यू, आई एम आउट ऑन द रोड, आई एम आउट ऑन द ऑफिस, आई एम समवेयर, ठीक है, इज माई वॉइस टू लो, क्या मेरी वॉइस जो है वो बहुत कम आ रही है, इज माई वॉइस क्लियर इनफ, क्या मेरी वॉइस जो है वो क्लियर है। तो ये फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो और आप इनको राइट नाउ भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो ये हमारे पास फ्रेजेस हैं। अब देखो उन्होंने पूछ लिया, अब उसका आंसर भी तो करना पड़ेगा ना, है ना, आप आंसर भी तो बोलोगे हाँ बात बिल्कुल ठीक है, फिर कहेंगे हाँ कुछ तो ठीक है, फिर बाद में कहेंगे हाँ अब तो बिल्कुल क्लियर आ रही है, या फिर अभी भी सही नहीं आ रही है। तो इस टाइप के आंसर्स जब आप करते हो तब आपने क्या बोलना है, आई कैन हियर यू बट योर वॉइस इज टू लो, कैन यू बी अ बिट लाउड, क्या मैं तुम्हें सुन सकती हूँ लेकिन तुम्हारी आवाज बहुत कम है, क्या तुम थोड़ा सा लाउड बोल सकते हो, नेक्स्ट आई I'm barely managing to hear you, मतलब मैं बहुत मुश्किल से, barely managing, मतलब मैं बहुत मुश्किल से तुम्हें सुनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आवाज सेम टू सेम वही है। I can hear you in pieces, मैं तुम्हें pieces में सुन पा रही हूँ, pieces means today like थोड़ा बहुत सुन पा रही हूँ, ज्यादा नहीं, बहुत ही beneficial है। और मैं हमेशा बोलती can you be a bit loud, I'm barely managing to hear you, ठीक है। तो आप इस टाइप से फ्रेजेस यूज कर सकते हो ऐसे सिचुएशन में। इससे नेक्स्ट सिचुएशन आपके सामने मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि अगर मान लो किसी ने फोन किया, तो फोन की बैटरी डेड है, बहुत लो है, तो मुझे उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यही कहना पड़ेगा कि बहन बाद में फोन कर लो अभी मैं बिजी हूँ, है ना, या फिर बहन बाद में फोन कर लो अभी मेरे फोन की बैटरी चार्ज नहीं है, या फिर मैं क्या कहूंगी, मैं यही कहूंगी कि भी फोन चार्ज लगा लूं रुक फिर करती हूँ मैं तेरे से, है ना। तो इस टाइप के फ्रेजेस किस तरीके से हमें बोलना है, इस टाइम में हमें बोलना है हे हैव यू यू हैव टू बी क्विक, माय माय फोन बैटरी इज अबाउट टू डेड, या माय बैटरी इज अबाउट टू डेड, कि तुम्हें जल्दी थोड़ा जल्दी जल्दी बोल मेरे फोन की बैटरी डेड होने वाली है, बोल दे कि जल्दी जल्दी बोल जो कहना मेरा फोन बंद ही होने वाला है, ठीक है। तो देन यू कैन से लाइक हे यू हैव टू बी क्विक माय बैटरी इज अबाउट टू डाई। सेकंड बिफोर वी स्टार्ट स्पीकिंग, मतलब बोलने से पहले आई माइट लॉस यू एज आई एम 3% बैटरी, कि मतलब अगले बंदे को पहले कह देना कि भी मतलब हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले मैं तुझे बता दूं मेरे फोन की बैटरी 3% ही है, बहन बीच में बंद हो गया तो ये ना कहना मेरे को कि भी बंद हो गया या फोन काट दिया, ईगो में आ गई, है ना। इससे नेक्स्ट कैन आई कॉल यू आफ्टर चार्जिंग माई फोन, क्या मैं आपको मेरा फोन चार्ज करने के बाद कॉल करूँ। तो इस टाइप के आप यूज कर सकते हो। लेट मी रिपीट दी सेंटेंसेस वंस अगेन। Hey, you have to be quick. My battery is about to die. Before we start speaking, I might lose you as I am on 3% battery, 4% battery. ठीक है, चेंज कर लेना अकॉर्डिंगली। Can I call you after charging my phone? इससे नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो माई बैटरी इज अबाउट टू ड्रेन, कुड यू टेक्स्ट मी इफ इट नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मतलब कि मेरी बैटरी जो है ना वो ड्रेन होने ही वाली है, खत्म होने ही वाली है, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो बहन टेक्स्ट कर दियो, ठीक है, या फिर भाई टेक्स्ट कर दियो। तो इट्स लाइक कि अगर आपके फोन की बैटरी डेड होने वाली है तो आप पहले कह दो कि माई बैटरी इज अबाउट टू डाई और माई बैटरी इज अबाउट टू ड्रेन, कैन कुड यू टेक्स्ट मी, कि मुझे टेक्स्ट कर देना अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट लेट मी ग्रैब अ चार्जर एंड आई विल कॉल यू बैक, ये वो सिचुएशन है जब हम ये कहते हैं कि मुझे क्या करना होगा, मैं चार्जर ले आऊं एक बार फिर करती हूँ तुझे कॉल, ठीक है। तो ये वो सिचुएशन है। तो ऐसे सिचुएशंस में आप अलग अलग क्या कर सकते हो, अपने आप
फोन हैंग कर सकते हो या फोन चार्जिंग के लिए किसी को बोल सकते हो। इससे नेक्स्ट है सिचुएशन थ्री, व्हेन यू आर बिजी। अब देखो बिजी तो होता ही है ना कोई बंदा। अब जैसे मैं बिजी हूँ बहन, बाद में फोन करूंगी, या फिर किसी को कहना है कि अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो थोड़ी देर रुक जाओ, है ना, या फिर कहो कि भी मैं कोई मीटिंग में हूँ तब मैं बाद में फोन करूंगी। तो बिजी कहने के भी अलग अलग तरीके होते हैं कि मैं बिजी हूँ अभी, बाद में बात करूंगी, ये रुक के करूंगी, या फिर जो कुछ भी है फटाफट बोल दो। इस टाइप के सेंटेंसेस जब हमें बोलने होते हैं तो हमें क्या करना होता है, पहला आप देख सकते हैं सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम टाइड अप एट द मोमेंट, कैन यू कॉल मी इन द आवर्स टाइम। टाइड अप, टाइड अप का मतलब होता है बिजी। जब कोई पर्सन, इसका मतलब थका हुआ नहीं होता है, इसका मतलब होता है बिजी, कि मैं अभी बिजी हूँ, क्या मैं आपको 1 घंटे में कॉल करूँ, या 5 मिनट में कॉल करूँ, या 10 मिनट में कॉल करूँ, जो भी आपने कहना हो आप कह सकते हो। नेक्स्ट, इफ इट्स नॉट अर्जेंट आई कैन आई बज यू लेटर इन द इवनिंग, कि अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, तो क्या मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँ। देन यू कैन से लाइक दिस दैट इफ इट्स नॉट अर्जेंट कैन आई बज यू लेटर इन द इवनिंग और आफ्टरनून, जब भी आपने कहना हो अगले पर्सन को। आप थर्ड जो फ्रेज यूज कर सकते हो इस तरीके से, यू जस्ट हैव 2 मिनट्स, आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, बी क्विक एंड व्हाट यू हैव टू से, कहते हैं ना कि भी फटाफट बोल क्या कहना है, तो उस टाइम पर आप ये यूज कर सकते हो, यू जस्ट हैव 2 मिनट्स, यू जस्ट हैव 1 मिनट, यू जस्ट हैव 5 मिनट, बी क्विक टू व्हाट यू वॉन्ट टू से, बी क्विक टू व्हाट यू हैव टू से, वही चीज फटाफट बोल दो जो आपने कहना है। हेलो हाय तो बाद में भी होती रहेगी, ठीक है। इससे नेक्स्ट सेंटेंस, इससे नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई एम अबाउट टू स्टार्ट ड्राइविंग, आई वॉन्ट बी एबल टू हैव अ लॉन्ग चैट। जब आप ड्राइव कर रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आई एम अबाउट टू स्टार्ट स्टडी, आई एम अबाउट टू स्टार्ट प्लेइंग, आई एम अबाउट टू स्टार्ट ड्राइविंग, तो ऐसी कंडीशंस में आप बोल सकते हो कि बहन मैं अभी ड्राइविंग कर रही हूँ, बाद में करूंगी, या फिर मैं कुछ कोई और काम कर रही हूँ, मैं बाद में खाना बना रही हूँ, बाद में करूंगी, है ना, मैं लंबी बात नहीं कर सकती, तो आप उस टाइम पर बोल सकते हो आई एम अबाउट टू स्टार्ट ड्राइविंग, आई वॉन्ट बी एबल टू हैव अ लॉन्ग चैट। आई होप सो आपको क्लियर हो गए हो। इससे नेक्स्ट फोर्थ सिचुएशन, जैसे कि फोर्थ सिचुएशन क्या हो सकती है, जैसे कि मान लो मैंने किसी को कॉल कर किया और इन बिटवीन कोई दूसरी कॉल आ रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर अर्जेंट है तो मैं उठाऊंगी, मैं कहूंगी बहन रुक किसी का फोन आ रहा है, बहुत जरूरी कॉल है, या फिर क्या है, मैं क्या कहूंगी कि भाई वो जरूरी नहीं है छोड़, ठीक है, या फिर मैं कॉल उठा के मैं ये कह दूंगी कि अभी मैं किसी से बात कर रही हूँ, बाद में बात करूंगी, है ना, यही हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं आप देख सकते हैं। पहला सेंटेंस, यू कैन सी आई एम गेटिंग अ सेकेंड कॉल, मुझे सेकेंड कॉल आ रही है, कुड यू होल्ड फॉर अ सेक और अ मिनट, ये उस बंदे को कहा जाएगा जो कॉल में पहले ही है, कि रुको 1 मिनट रुको, मैं एक बार उसको कॉल करके कह दूँ, ठीक है, एक मतलब होल्ड करो 1 सेकेंड, तो हम बोल सकते हैं आई एम गेटिंग अ सेकेंड कॉल, मुझे सेकेंड कॉल आ रही है, कुड यू होल्ड फॉर अ सेक और अ मिनट, क्या आप 1 मिनट और 1 सेकेंड के लिए रुक सकते हो। इसे नेक्स्ट आप बोल सकते हो, हाय आई एम स्पीकिंग टू समवन ऑन द अदर साइड, इफ इट्स नॉट अर्जेंट कैन आई कॉल यू इन सम टाइम, ये उस पर्सन को बोला जा सकता है जो पर्सन ये कहे, मतलब लाइक सेकेंड कॉल जिस पर्सन की आई है उसको हम बोल रहे हैं कि भी मैं अभी एक बार बात कर रही हूँ किसी से, आपको मैं थोड़ी देर में करूँ, अगर अर्जेंट नहीं है तो आप बोल सकते हो हाय आई एम स्पीकिंग टू समवन ऑन द अदर साइड, इफ इट्स नॉट अर्जेंट कैन आई कॉल यू इन सम टाइम। थर्ड सेंटेंस, आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम माय बॉस, या फिर किसी से भी अगर आपको कॉल मतलब लाइक मिले, चाहे मम्मी से मिले चाहे पापा से, है ना, तो आप उस टाइम पर क्या बोल सकते हो, आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम माय बॉस, आई विल कॉल यू बैक सून, मैं आपको बहुत जल्दी क्या करूंगा, कॉल करूंगा। तो जरूरी नहीं है बॉस का कॉल आए, किसी का भी कॉल आ सकता है, ठीक है। इससे नेक्स्ट फिफ्थ सिचुएशन, वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन, एंडिंग अ कॉल। देखो अगर आपने कॉल की है तो ऑफकोर्स उसको एंड भी तो करना ही पड़ेगा ना, तो वही चीज है, आपने अगर अपने फोन को एंड करना है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या बोल सकते हो, ये कंडीशंस में आप बोल सकते हो। पहला देखिए क्या है, एंडिंग अ कॉल, इट वॉज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, लेट्स कनेक्ट रेगुलरली, जब हम उस दूसरे बंदे को बोलते हैं कि बहुत बढ़िया बात हुई बहन, है ना,
तो थोड़ी देर रुक, मतलब हम जो है कनेक्शन में रहेंगे, मतलब कॉल करती रहा कर. नेक्स्ट टेक केयर, लेट्स बी इन अ टच, कि टेक केयर, हम टच में रहेंगे, मतलब आपस में बात करते रहेंगे. नेक्स्ट, माय बैटरी इज रनिंग लो, लेट्स कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन टुमारो. एंड अप कर रहे हैं ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि भी मेरे फोन की बैटरी ना कम है, तो आप फिर करेंगे, फिर एंड अप करते हैं, फिर करते हैं कॉन्वर्सेशन. इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, नेक्स्ट, आई नीड टू हैंग अप नाउ, लेट्स कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन टुमारो, कि मुझे अब क्या करना पड़ेगा, हैंग अप करना पड़ेगा फोन, तो हम बाद में बात करेंगे. इट्स बीन एन आवर वी आर टॉकिंग, आई नीड टू गेट बैक टू वर्क. इट मीन्स यहाँ पे मम्मी और मासी लगे हुए हैं, जब क्या है बहुत ही लंबी बात हो रही हो तो ऑफकोर्स मम्मी मासी लगे हो सकते हैं, या फिर GF BF लगे हो सकते हैं. तो हम उस टाइम पे ये कह सकते हैं कि 1 घंटा हो गया बात किए, बहुत हो गया, आप बाद में आप बात करेंगे, अभी मुझे काम करने की जरूरत है. Hey, my class is about to start. I won't be able to speak to you now. मेरी क्लास अब शुरू होने ही वाली है, मैं बाद में बात करूंगी, मैं अभी बात नहीं कर सकती. तो इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंसेस आप अपनी डे टू डे लाइफ में फ्रेजेस बोल सकते हो. थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड. और आप कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम ये फ्रेजेस यूज कर पाओ. एंड प्लीज डू फॉलो इंग्लिश विद ध्रुव. बाय, थैंक यू.